ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये पेज नंबर 180। पेज नंबर 180। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हो गए? डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिक्वायरमेंट जरा देखें। कंप्यूट द कॉस्ट पर यूनिट बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इन टोटल अज्यूमिंग फाइफो बेसिस। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से मुराद ट्राई हो सकता है वैसे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की शायद बात हो रही। डी पार्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनानी है अपने अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे और देन रिकंसाइल करना इन दोनों प्रॉफिट्स को। स्टॉक्स की बेस पे प्रॉफिट्स में फर्क आ सकता है। आप एंजॉय कर सकते हैं सर ये सवाल। सही। डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिमिटेड सोल्ड 6000 यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th September 2008। The sale price being 24,000 rupees per unit. The opening work in process comprised of 500 units, which are complete as regards material, but only 40% complete as to conversion. Labor overheads. The closing work in process comprised of 1200 units, which were also complete as regard material, but only 50% complete as to conversion labor overheads. The finished goods inventory was 800 units at the beginning of the year and 1000 units at the year end. Work in process account had been debited during the year with the falling costs. Work in process account hai main bana raha, debited during the year. Direct material, direct labor, variable overheads, fixed overheads. Work in process account debit, material, labor, variable, fixed overheads, credit. एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पिछले साल के मुकाबले में कॉस्ट पर यूनिट हैव इंक्रीज्ड एज फॉलोस। कल भी लाइन आई थी 10%। अगर पिछला साल 100 था, पिछला साल कहां से 100 आ गया, मैंने नहीं बना दिया। एज कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को बेच सकता हूं, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 10%, 8%, 10% और 6% रिस्पेक्टिवली कॉस्ट में इंक्रीज आया है। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट फॉर द ईयर वर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड इज 1600 एंड फिक्स कॉस्ट का रुपीज का टोटल दिया 12 मिलियन। रिक्वायरमेंट वन सर दोबारा आप पढ़े। कंप्यूट द कॉस्ट पर यूनिट the element of cost and in total kya mang raha hai kal aapne process costing revise kiye par unit tak agar jana hai to kin step se hoke guzarna padta hai process account pehle sir wahan se equivalent units sir fir amounts dekh ke cost per unit sir। तो लेकिन उसने कॉस्ट पर यूनिट मांगी है, लेकिन ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर वर्किंग करनी पड़नी है। तो आ जाए जरा, लेकिन मांगा उसने है कॉस्ट पर यूनिट, तो पहले हाफ पेज रखें, हाफ बिजनेस नेम इज
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिमिटेड। ये सर ये पेज नंबर सॉरी बताना भूल गया, पेज नंबर 180 है सर। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिमिटेड, जब सवाल खत्म हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पूरे हो जाते हैं। सवाल पढ़ने का क्या फायदा, बंदा सीधा जवाब देखे, इकट्ठी हो चुकी दुनिया। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इन टोटल, ऐसी बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से मुराद अब मटेरियल ओवर एवरेज आने, यहाँ टोटल आना है, हाफ से चले थोड़ा सा कम छोड़ देते। पहले प्रोसेस अकाउंट बना के पता तो चले यूनिट्स इन्वॉल्व कितने कितने हैं, फिर उनको देख के इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनाएंगे, फिर बेस आएगी, फिर अमाउंट ढूंढेंगे। तो जितना डाटा है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के एंगल से सोचे, प्लीज सोचना कंपलसरी हो गया। प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स अमाउंट, चलो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिम ये जो बातें हो रही हैं डिफरेंट तरीकों से होती रही, जैसे पहले भी होती रही हैं, तो टेक इट एज अ रिवीन नाउ। ये ब्रॉट डाउन यूनिट्स, सुनो ब्रॉट इन यूनिट्स की अमाउंट बता, अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन पिछले पीरियड की अमाउंट का 100% मटेरियल और 40% कन्वर्जन इसके सामने आएगा। हिम्मत हिम्मत जवान हिम्मत, हम बिजी हैं, देख के लेजर बना रहे हैं, कॉलम खोल रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, हम देख के जरा। एनी अदर डेटा विच इज टू बी इन दिस प्रोसेस अकाउंट, ये ठीक है, चलो क्लोजिंग यूनिट्स। अरे गलत दिखाई जाने, ओपनिंग यूनिट्स तो हैं, ओपनिंग यूनिट्स 800 और 1000, एक ही बात है यार, वो किस लेजर में आएंगे? देन यूनिट स्टार्ट कितने हुए हैं, कितने यूनिट्स पे इस पीरियड में काम शुरू हुआ है, क्या ये पता है कितना खर्चा हुआ है, किस 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 का, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनकी अमाउंट पता है मैं रुपीज थाउजेंड्स में शायद। एट थ्री 490 1 4 2 5 6 1 0 8 9 0 1 7 4 9 0, ये ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन के अलावा कोई यूनिट्स मिल नहीं रहे। फिनिश गुड्स का लेजर जरा बनाए, शायद कुछ वहां से हेल्प हो सकती है। फिनिश गुड्स का लेजर यूनिट्स के एंगल से, ब्रॉड डाउन यूनिट्स, कैरेट डाउन यूनिट्स 1000, सोल्ड यूनिट्स 6000, जी सर। तो मैंने कब का नहीं किया, नहीं मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे क्वेश्चन मिलता है सर, वो ऑपरेशंस आई थी जो कंप्लीट, सर नहीं ये प्रोसेस ऑटो ही,
सर वो इसलिए क्योंकि वहां फिनिश गुड्स से अगर ट्रांसफर नहीं थे, सवाल नंबर 60 ढूंढे जल्दी 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 ढूंढे, इसलिए लिखनी थी सर कि कोई यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुई थी, सवाल में बताया था सर का माल हो गया था, बताया हुआ था कि प्रोसेस अकाउंट से भेजने रह गई इधर ही पड़ी है, इधर लिखनी थी, ठीक है सर पता चला ये भी इधर ही पड़ जाएगी, ना करिए। हमने बहुत से सवालों में ये किया, वो तो सिर्फ एक सवाल में किया था, और वो क्यों किया था, क्योंकि उसने बताया हुआ था कि यूनिट अभी ट्रांसफर नहीं हो पाए, जल्दी से प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल नंबर 8 ढूंढ। सेवन था तो सेवन ढूंढ, फिनिश गुड्स के यूनिट्स कहाँ पड़े होंगे, फिनिश गुड्स के स्टोर रूम में, अनलेस वो बता दे कि वर्क इन प्रोसेस के में ही पड़े हैं, प्रोसेस अकाउंट में ही पड़े हैं, डिपार्टमेंट में ही पड़े हैं, ट्रांसफर करना रह गए थे, ढूंढ के तरह पड़े वहां लिखा हुआ था, नहीं प्रोसेस कॉस्टिंग में 7 से 8 सवाल था शुरू में, वर्ड्स पढ़ते हैं अगर बात हो रही है तो ढूंढ के तरह करनी, पेज नंबर बता दो 54 7 8 7 में 8 में पढ़े जरा वर्ड्स क्या है, 8000 यूनिट्स वर इन हैंड इन डिपार्टमेंट टू एट द एंड, मतलब डिपार्टमेंट टू में ही है एंड रिमेनिंग चले गए, वो तो बताया था ना कि इधर ही रह गए हैं, अगर रह गए तो इधर ही सीडी आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो किधर पड़ा होगा ये सीडी, फिनिश गुड स्टोर रूम में पड़ा होगा सर, आ जाए वापस, ये सर ये फिनिश गुड्स अकाउंट में चार चीजें मिल गई सर, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन सोल्ड आ गया, क्या निकल सकता है, प्रोडक्शन निकल सकती है, इस डेटा के बेस पे 6200 यूनिट्स बने होंगे, कहां से आए होंगे, अजम्पशन ले रहे हैं हम, डबल एंट्री को बोलना, तो ये प्रोडक्शन के यूनिट्स बड़ा मिल गए मुझे, डेफिनेटली को रेफरेंस के अगर एंगल सोचें तो वर्क इन प्रोसेस रेफरेंस है, लेकिन मैंने जरा यूनिट्स के एंगल से बनाया, तो कितने यूनिट्स बने होंगे, कहां से कहां गए होंगे, ठीक है सर, तो फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं हम बैलेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फिनिश गुड्स डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट आ गया, तो ये कहां से फिगर आई है, फिनिश गुड्स के लेजर से आई है, देन जरा लेजर दोबारा क्वेश्चन देखें, कोई लॉसेस होते नहीं, लॉसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर होती तो डेफिनेटली पहले वो भी शायद लिखते, लेकिन क्या रिवर्स वर्किंग करके कोई इनपुट यूनिट ढूंढे जा सकते, टोटल हो जाएगा शायद 7400 तो 6900 यूनिट्स वुड हैव बीन स्टार्टेड एज इनपुट, जिन पे पूरी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की गेम चली होगी, और डेफिनेटली ये 6900 सर मटेरियल के सामने भी लिखा जा सकता है, तो वो डेफिनेटली अल्लाह करे हम बड़े हो गए, नहीं बात नहीं क्लियर होगी प्लीज बने क्या आपकी ऑफिस सामने रखी, ठीक है सर जी, आप क्या रह गए, एक मिनट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाए, टेक इट एज अ रिवीन ईयर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल, इस टेबल में कितने कॉलम होंगे, ये फाइफो से में रखे नहीं बनाए, नहीं टेबल पूरा एंड इंडिविजुअली बनाए, और नए स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनाए, फाइफो मेथड जहन में रख के, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट भी तो होगा यार, वो कब होता है, अगर सेकंड या सबसिक्वेंट डिपार्टमेंट हो तो मैं कन्वर्जन के नाम से क्यों बना सकता हूं, लेबर ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम दी हुई है,
फिनिश गुड्स यूनिट्स हैं 6200, क्लोजिंग यूनिट्स हैं 1200, ओपनिंग यूनिट्स हैं 500, इनपुट यूनिट्स हैं 6900। सारे लिखने हैं यार, सारे लिखने हैं। यहाँ कौन से यूनिट्स आते हैं जो क्रेडिट साइड पे होते हैं, एक्सेप्ट ओनली व्हेन देयर इज एबनॉर्मल गेन। कॉस्ट किन पे एलोकेट होनी है, क्रेडिट साइड के यूनिट्स हैं अनलेस एबनॉर्मल गेन। इस तरह की कोई आवाज अगर कभी आए तो हरगिज नहीं मान लेनी है। करें करें माइंड ऑफ करें। स्टेज सेट सर, अगर आप हिम्मत करेंगे तो बात बहुत आगे जानी है। जी सर, 6200 का एक ब्रेकअप होगा 500 एंड 5700। 500 के सामने मटेरियल में डैश लगेगा। डैश डजंट मींस काम हुआ नहीं है, डैश मींस हमारे पीरियड में 500 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से नहीं बने। 40% कन्वर्जन का काम हो चुका था, हमारे पीरियड में 500 यूनिट्स में मटेरियल नहीं लगा होगा, सिर्फ कन्वर्जन के एंगल से 60% काम हुआ होगा। 5700 यूनिट स्टार्टेड और कंप्लीटेड हैं हमारे ही पीरियड में, पता याद। और वर्क इन प्रोसेस के 1200 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से पूरे हैं और कन्वर्जन के एंगल से हाफ कंप्लीटेड है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख ली सबने, टोटल 6900, मटेरियल के एंगल से 6900 यूनिट्स कंप्लीट हैं एंड कन्वर्जन के एंगल से 6600 यूनिट्स कंप्लीट हैं। मेरा आंसर आपसे मैच कर रहा है? अब इससे आगे जो हमने करना है वो शायद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। देखें जरा, इससे आगे वही होना, तो पेज के स्टार्ट पे जाए, वहां जगह छोड़ी हुई आपने सर, प्लीज छोड़ी हुई सर। किस किस का परिणत आएगा? असल में मटेरियल कन्वर्जन का आएगा, लेकिन शायद एग्जामिनर ने बाय एलिमेंट का आया, तो थोड़ा सा हम एग्जामिनर के बाय एलिमेंट पे आ जाए। लेकिन अगर प्रोसेस अकाउंट वगैरह बनाना हो तो कन्वर्जन का रेट इकट्ठा निकल सकता है, लेकिन बाय एलिमेंट से शायद थोड़ी सी डिवीजन कर लें। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद एक लाइन छोड़ के फिक्स ओवरहेड्स लिखिएगा। मैं ये अलहदा अलहदा क्यों निकाल रहा हूँ, ये तो इकट्ठा निकल सकता है बाई एलिमेंट उसने कहा है, लेकिन 12 लेबर हो या ओवरहेड्स हो, इनकी बेस में यूनिट्स 6600 ही होंगे। ये कहानी फाइनल करें, अमाउंट्स उठाएं, बिल्कुल सही आवाज आई है आप लोगों को, क्या अमाउंट डेबिट साइड से उठानी है, रिकवरी वैल्यू ढूंढे, ब्रॉड डाउन ढूंढे यार, ब्रॉड डाउन भी तो प्लस होना है, ब्रॉड डाउन लेना नहीं, वेटेड एवरेज नहीं है और रिकवरी वैल्यू है नहीं, सिर्फ फॉर द ईयर की फिगर्स उठानी है। बेस में 6900 यूनिट्स, 14256, 6600 यूनिट्स, अब ये जो डाटा है थाउजेंड्स में है, तो जो रेट आएगा वो भी डरे बगैर देखिएगा, थाउजेंड्स में ही आना। प्लीज क्लियर, 6600 तीन की बेस में लिख दिया मैंने, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर, वाइंड अप करें, लिख लें लिख लें। ये वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद कैंडी स्पेस रखनी थी थोड़ी सर, किसी को पता क्यों रखवा रहा हूं? मार्जिनल में कहां तक प्लस करेंगे,
और अब्सॉर्प्शन में टोटल करेंगे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हो गए बेटा 12.1, 2.1, 1.65, 2.65, ये क्या है, किसका? मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, इन तीन को ऐड करके मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, चारों को ऐड करके अब्सॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। कोई एक टोटल हो ही जाए सर, 15.91 मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट एंड फाइनली 18.56 अब्सॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो पुरानी बातों में जो नए वर्ड्स में बोल रहा हूं ये काइंडली ध्यान में सेट करें। ये रिक्वायरमेंट है, जरा देख लें कंप्लीट। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल है यहाँ पर। जी इन टोटल का मतलब, इन टोटल, अरे इन टोटल बाय एलिमेंट्स, इन टोटल एलिमेंट्स हो गए मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और टोटल टोटल हो गए। चले आगे सर, बी रिक्वायरमेंट होम अप्लायंसेस, सॉरी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इन लोगों के इंट्रो एग्जाम था, एक होम अप्लायंसेस होता था। अच्छा ही हो गया, एग्जाम तो हो गई, बल्कि बड़ा कुछ और होता था यार। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिमिटेड सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इनकी इंट्रो एग्जाम है, उनकी ख्वाहिश ये है कि एफए वन और कॉस्ट भी एग्जाम हो जाए। फॉर द ईयर एंडेड, नहीं सिर्फ कैफ क्यों, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर हमारा साथ वाले ने अगर बात की है तो जवाब देना कंपलसरी है, सवाल तो होता रहता है, बोर्ड पे आ रहा है, हो जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड बोर्ड से देख लिखे 309.2008। अरे हिम्मत नहीं कर रहे आप सर, इसमें फायदा कोई नहीं, मजा नहीं इसमें बिल्कुल। चले सर जी, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग गेम फुल ऑन हो गई, अब रुपीज इन थाउजेंड्स की गेम है, ठीक है। एक एक फिगर करनी जो आ रही है क्वेश्चन में से इंशाल्लाह है, ढूंढनी है, सॉल्व करनी है। स्टेटमेंट का फॉर्मेट जहन में लाते रहे, सेल्स सर नाम से सर, एक एक करके सर फिगर तो लिखे सर। अच्छा समटाइम ये भी कुछ बच्चों की मैंने आदत देखी कि पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, तो फॉर्मेट का बेटा कोई नंबर नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता एक फिगर भी ना हो तो जो लिख रहे हैं उसका नहीं मतलब सेल लिखी उसकी अमाउंट लिखी। और वैसे भी फॉर्मेट में समटाइम्स प्लस माइनस का एक और लाइन ऐड हो सकती है। सेल मीन्स उसे जो फिगर लिखेंगे, जो फिगर लिखे उसके नंबर है, मतलब सेल की हेडिंग का तो कोई नंबर नहीं। 6000 यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय 24,000 पर यूनिट है, आंसर थाउजेंड्स में 144 रह गया है, 144,000 रह गया। कंसंट्रेट करें प्लीज, 6,000 × 24,000 आंसर इज 1,44,000 फाइनली इन थाउजेंड्स। अजमडे सर
अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, सही वर्ड बोला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल ठीक है, गेम आज ऑन है, वर्किंग हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बताएं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी हो जाए सर 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, मटेरियल इसमें आएगा, लेबर ओवरहेड्स, सब कुछ से मुराद आपकी क्या है, वेरिएबल भी और फिक्स भी आएंगे। सुपर वर्किंग हो चुकी है ए, वर्किंग ए, रिक्वायरमेंट ए, 18.56 की बात हो रही है, 18.56 की बात हो रही है, हो इसी की रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये करंट ईयर के रेट्स हैं और ओपनिंग स्टॉक किस साल से किस साल आ रहा है, तो क्या कुछ चेंज है भी यार, क्या कुछ चेंज है भी, अगर ना बताया होता फिर सेम रेट से मज्यूम कर लेते, कहाँ चेंज बताया हुआ, एक और वर्किंग करनी पड़नी सर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड में आने जरा, बेटा फिजान जाने दे, गुस्सा यार, पेज गुम हो गया, पेज बता दें तो माल हो गया, बेटा ये मासूमियत छोड़ो यार, क्या हो गया, रियलाइज करें किधर फंस गए आप लोग, पेज गुम हो गए, पेज 180 है सर, चले बहरहाल कोई मसला नहीं सर, लग रहे मिल गया हो, लेकिन बुक कौन सी देख रहे हैं, ये भी पहले चेक कर लें, नहीं अगर ये वाली बात हो सकती है तो मेरी बात में क्या मसला है, जी सर जी हमें पिछले साल के रेट चाहिए, वर्किंग में है ना कहीं पड़ा, वर्किंग का मतलब ये है एक पेज तो इसको कम से कम चाहिए, बल्कि एक से ज्यादा, चले रिकंसिलेशन भी है, देखते हैं आपके स्पेस कितनी रखनी है, बल्कि वर्किंग चाहिए सर, थोड़े सफा खुद ही डिसाइड करो, वर्किंग वन रेट्स ऑफ प्रीवियस पीरियड, कुछ इस तरह की वर्किंग कल भी हुई है यार, तो इस साल करंट ईयर 2008 है मेरे ख्याल, उसको लिख के 8 को लिख के 7-7 वर्किंग कर लें, डायरेक्ट मटेरियल थोड़ा स्पेसिफाई कर लें, 8 की फिगर्स से अगर आप 7 में जा रहे हैं, 8 की फिगर्स लिख लें दोबारा रिक्वायरमेंट ऐसे और 7 में जाएंगे, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज इन्वॉल्व रहा करें, फाइनल करें सर, इस तरह की जो वर्किंग्स है ना, जो डिवाइडेड बाय 100 इनटू वगैरह वगैरह हो रही है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है आगे, तो अपने आप को ज़रा कंफर्टेबल करें, ज़रा जी जी कर लें आप लोग, मैं लिखता हूँ, और वंस अगेन अलग अलग टोटल कर लें, 7 मार्जिनल अलग अब्सॉर्प्शन अलग, हमें जरूरत पड़नी है इसकी, 12.1 डिवाइड बाय 110, अब ये इनके परसेंटेज डिफरेंट ही है सबकी शायद, इंटू 100 11 2.16 डिवाइडेड बाय 108 हो जाएगा भी, इंटू 100 1.65 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 1.5 2.65 डिवाइडेड बाय 106 आई थिंक, ये परसेंटेजेस देख लें जी प्लीज, डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल और इसकी 10% है, और वे लेबर 8 और फिक्स्ड ओवरहेड 6% है, बारह फाइनल में आंसर मैच कीजिएगा।
15.91 था, ये हो जाएगा 14.5, सेवनटीन सर डन। वर्किंग करें सर विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है फ्रेंड्स मैं पीछे बात कर रहा हूँ। अच्छा अगर फ्रेंड्स कर रहे हैं, जितना ज्यादा कंसर्न मुझे फ्रेंड्स का था उतना ही फ्रेंड्स ने महसूस कराया कि हम तो बहुत तेज हैं, हम बड़े हो गए हैं, बड़े होने की निशानी हम लेट आया करेंगे, पहली निशानी यही है सर। ये सर जी रेट्स आ गए सर, इकट्ठे हो जाए प्लीज, नोट कर लीजिए सबने, रेट्स आ चुके हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स यूज करें जी, जो रेट चाहिए इस वक्त हमें। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, फिनिश गुड्स की बहस हो रही है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता देंगे कौन सा रेट इनमें से उठाएं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंटू 17 डन है सर, 13,600, 13.6 मिलियन, यहाँ थाउजेंड में है तो स्टेट भी यार को खुदा का नाम लो, और रेट भी थाउजेंड में है, मिलियंस में हो जाए ना देखने और सर, 17,000 है ये तो 17 लिखा है तो देख ले ऑलरेडी थाउजेंड में, ऊपर 24,000 लिखा था इसलिए ऊपर भी शायद 24 ही होना चाहिए फिर, अगर उस तरफ चल पड़े मेरे ख्याल 24 लिख देता हूँ, ऊपर 24 इधर 17,000 ये रेट्स ऑलरेडी थाउजेंड में है, क्यों थाउजेंड में देखे बताया, नहीं नहीं नो गिवन वजह क्या थाउजेंड में, इसकी अमाउंट सारी थाउजेंड में ना यार, मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे थाउजेंड रुपीज में दिए, वो ऑलरेडी थाउजेंड में है, रेट थाउजेंड में आ रहे हैं, तो आई थिंक फिर थाउजेंड में ही रुपीज आ रहे हैं, 13.6 या 13,600, ये 13.6 मिलियन है असल में, थाउजेंड में 13,600 रह गए, प्लीज फाइनल है सर, नेक्स्ट बोले जी हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, फिनिश गुड्स की ना करे यार सर, ठहर जाए ना यार भाई क्या हो गया, मेरा मजाक तो उससे यार, मुझे पता उससे मुझे टेस्ट किए नहीं, अपना अपना यार, क्या ये बेचारे का वही सवाल आया, अगर ये सवाल हो सकता है थोड़े पहले हुआ पेज हम पेज घूम गए तो भाई की बात में तो फिर भी कोई वजन है सर, ये 100% कंप्लीट है सर जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, नहीं सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है ना, ठीक है ये वर्किंग हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहीं ढूंढे जी, जरा पीछे ले ना, इस तरह नहीं आराम से ना 6,200 बिल्कुल जुल्म है, प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट देखे जरा, प्रोसेस अकाउंट कैंडी, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बननी है, रॉ मटेरियल के स्टॉक्स ढूंढने जरा, एक मिनट, रॉ मटेरियल के स्टॉक्स हैं सर, देखें मत करें, अगर शायद वो स्टॉक्स होते ना तो शायद हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ना था, एक सेकंड जरा 83490 दोबारा देखें मेरी ये बात सुन के, और इसकी एंट्री बोले जरा 83490 डबल एंट्री, यार क्या ये कंज्यूम्ड ही है, ये कंज्यूम्ड आ रहा है, ये परचेज नहीं है, यहाँ प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है, कहाँ से आया होगा ये मटेरियल अकाउंट से, तो हमें कंज्यूम्ड ही चाहिए, तो यहाँ कंज्यूम्ड ही आना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में रॉ मटेरियल कंज्यूम, स्टेटमेंट आए जरा जेन में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर है
वेरिएबल ओवरहेड्स और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, फिक्स कॉस्ट भी है, लेकिन यहां तक होगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर आज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है जो ऐड होगा, और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक हम आएंगे। वर्क इन प्रोसेस इज आज इन्वॉल्व। अब लिखना यहां तो लिख सकते हैं, देख लें, लिखना लिख लेते हैं आज, लेकिन अदर वर्किंग पॉसिबल जरूर है। वैसे अरे अरे चले लिख लेते हैं जी, सॉरी क्या होती लेबर कॉस्ट, अगर लेबर कॉस्ट गिवन हो तो कोई रेट वगैरह तो होना चाहिए ना कुछ ना? नहीं, ये लेबर का रेट कैसे निकला, अमाउंट ही तो निकला ना। लेबर का रेट 12.1 सॉरी ये 2.16 आया कहां से, अमाउंट थी ना, अमाउंट ही तो है। अगर अमाउंट है तो रेट आ गया, रेट होती रेट होता तो अमाउंट आ जाता। ये आर्स पता होते, आर्स से निकालते रहते हैं अक्सर। तो फिलहाल ये जो अमाउंट आई है 2.16 सॉरी रेट रेट आया 2.16, ये कॉस्ट से ही आया नहीं, वो तो हो गया हुआ है। एक सेकंड बोर्ड पे देखा यार, परेशान हो गया। जो हम रोज कर रहे थे शायद वही तो आज हमने खुद किया है। हम रोज क्या कर रहे थे, जरा एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो कल सॉल्व किए, एक्स वाई ढूंढ कर, उसमें प्रोडक्शन के यूनिट्स थे और रेट गिवन था, हम अमाउंट निकाल रहे थे। आज हमने अमाउंट से ही तो रेट निकाला। तो मेरा ख्याल ये है, एक सेकंड बोर्ड पर देखा, डायरेक्ट मटेरियल के सामने 83490 एज इट इज लिखना चाहिए और किसी और वर्किंग की जरूरत नहीं, कर सकते हैं कर, ओ सर आने लगा है, सर ना करे ना, वो सर ना करना, यही तो जुल्म है। जो आप कर रहे हैं वो नहीं होना ना यार, वो कुछ और होना है, इस तरह नहीं करें। पहले तो ये देखें जो मैंने किए, ठीक है। अब अगर आपने इसको रिकनसाइल करना है तो मेरे भाई रेट देखें कैसे आया, क्या 6200 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से बने हैं या 6900, ऐसे तो ना ना करें। तो इसकी ब्रैकेट में अगर लिखना है तो इसकी ब्रैकेट में 6900 इनटू 12.1 होना चाहिए। आंसर आ रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ो। सब डायरेक्ट लेबर का भी आने लगा, अगर ये आ गया तो डायरेक्ट लेबर का भी आने लगा है, लेकिन डायरेक्ट लेबर के एंगल से यूनिट 6900 है ही नहीं है, ये तो ना ना करें यार। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, क्या उसके एंगल से भी 6900 यूनिट्स बने हैं, वो कैसे वर्किंग होगी, तो सही है ना ना करें भैया। ये क्या बात हुई कि किसके एंगल से यूनिट्स और है, पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे क्यों नहीं हो सका दो तीन दिन। वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वरना प्रोसेस कॉस्टिंग ध्यान में लाएं और काइंडली इन चीजों को लिंक रखें सभी ध्यान में। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी जब वर्क इन प्रोसेस आता था तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाती थी कॉस्ट कंपोनेंट वाइज। ना कीजिएगा सर, ये ना कीजिएगा, कब हो जाती थी, हो जाती होगी जैक एंड जिल सर, अब तो नाम याद हो गए लेकिन सवालों में जो हुआ वो याद नहीं है। जब भी वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स डिफरेंट हो जाएगी यार। मटेरियल के एंगल से और यूनिट्स है, कन्वर्जन के एंगल से और यूनिट्स है। अब अगर ये ब्रैकेट आप बना रहे हैं तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी बनाएंगे, 6600 वाली बनाएंगे अभी, तो व्हाई द फिगर्स आर डिफरेंट 6900 6600। वर्क इन प्रोसेस आज इन्वॉल्व है, वरना कल नहीं थे, इसलिए प्रोडक्शन ही फाइनल थी। डन है सर, बहरहाल लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर हम जरा सोचें तो इस वर्किंग की अब दोबारा जरूरत क्यों नहीं है, ये अमाउंट्स गिवन है। चले बहरहाल अच्छी बात होगी, बीच में एटलीस्ट लिख ले साथ में। The online students final is it? जी अमाउंट बन जाएगी ये 10890। बहरहाल इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त आपको पता है मैं बना क्या रहा हूँ, वो ही बना रहा हूँ बेटा जो हेडिंग ऊपर लिखी मैं, और क्या बनाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहा हूँ। उसमें मटेरियल लिखा मैंने, कंज्यूम लिखा मैंने, कंज्यूम लिखा सर, लेबर ओवरहेड्स लिख रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट क्यों लिख रहा हूँ, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, आधा आने लगा सर। क्या अगर यहां तक हो गया तो वो भी हो जाएगा सर, तो इंशाल्लाह वो भी होने लगा सर, रिलैक्स रहे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है।
लेकिन शायद वैसे नहीं किया जा सकेगा जैसे हम यूज्ड टू हो गए हों, वैसे ही होगा जैसे हम करते रहे हैं। क्या कभी हमने जिंदगी में वर्क इन प्रोसेस मेजर किए? भाई यार ध्यान दे, गुस्सा है। प्रोसेस कॉस्टिंग में करते क्या रहे हैं? कभी सीडी की वैल्यू निकाली? सीडी वर्क इन प्रोसेस, तो जितना जितना काम हुआ इक्वल यूनिट्स का टेबल देखेंगे अभी, वहां से वर्किंग कर लेंगे। तो रिलैक्स रहना आपका पहला स्टेप, बिल्कुल रिलैक्स नहीं, जहां तक हो गया है यहां तक ठीक है सर। बेटा सब कुछ होने लगा सर, बेटा प्लीज सब कुछ करने लगा, सब कुछ करने लगा हूं यहां तक जो मैंने किया है, कोई इतराज? आगे जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, साथ साथ चले इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। एक मिनट टोटल कीजिएगा सर, 1 to 6, 1 to 6, नहीं आगे ना जाए, बस यहां तक रुको। ये सर ये इस वक्त मेरे सामने जो असल सवाल है ना वो रेलिवेंट था इस वक्त, आप लोग आगे चल पड़े, असल सवाल भाई का आया। ये 17490 जरा सर्कल लगाए, ये क्या है? फिक्स ओवरहेड है। अपना प्रोसेस अकाउंट देखें, वहां से देख के डबल एंट्री बोले। सवाल भाई ने ये उठाया, क्या ये अप्लाइड है? क्या ये अप्लाइड है? बिल्कुल सही है, अप्लाइड है। अगला सवाल मेरा है एक्चुअल ढूंढना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है, शायद उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। देयरफॉर ये पहला स्टेप है क्या? अप्लाइड, अप्लाइड है ये, लेकिन अगर एक्चुअल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो वही होंगे, अंडर और अप्लाइड फिर नहीं होगा। ये अप्लाइड है, अंडर और अप्लाइड तक क्यों नहीं पहुंच सके? लेकिन मैंने तो पिछले क्वेश्चन में कहा था अगर एक्चुअल ना हो तो बजटेड के बराबर होता है, बजटेड ढूंढे, बजटेड ढूंढे। क्या क्या नहीं है? सही वर्ड्स, अप्लाइड अप्लाइड है, अप्लाइड नहीं कहना कि नहीं है, अप्लाइड नहीं कह देता कि नहीं है, बजटेड का भी नहीं पता, एक्चुअल का भी नहीं पता, तो बजटेड और एक्चुअल का नहीं पता, एक सेकंड इसे छोड़ दे, ये अप्लाइड है। अब जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स का लेजर ज़हन में लाएं, ये अप्लाइड है, एक्चुअल का पता होगा तभी अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन लिया जा सकता है, तो अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। एक छोटा सेंटेंस लिखे इसके साथ इर्द गिर्द, इट इज अप्लाइड, जरा इसके इर्द गिर्द लिखेगा। ये सवाल, असल सवाल ये था इस वक्त, आप अचानक वहां पहुंच गए, वो कैसे होगा, वो कैसे, वो इंशाल्लाह वो भी होगा, पहले ये हो गया था, ये पहले ये आना चाहिए। इट इज अप्लाइड बट एज देर इज नो इंफॉर्मेशन, इट इज अप्लाइड बट एज देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। देन एक्चुअल शुड बी सेम, बताइए एक्चुअली है ना, फिर ये अप्लाइड भी है एक्चुअल भी है। असल में जरा सही वर्ड्स पता वैसे क्या है? दोबारा जरा देखें फर्स्ट क्वेश्चन, ये 17490 शायद एक्चुअल है, नहीं शायद ये पहले एक्चुअल है। जरा देखें डेबिट साइड पे, लेजर की डेबिट साइड पे, अप्लाइड के लिए तो असल में रेट नहीं आता, नहीं मेरा अप्लाइड के ग्रेड वगैरह भी होता है, तो हमने ये जो रेट निकाला 2.65 ये भी एक्चुअल से निकाला। जरा देखें, जरा एक सेकंड देखें से, नहीं नहीं वो ठीक है आपकी बात, वो ठीक है, लेकिन मैं अभी बचपन भी याद करता हूँ, ये भी ना हो कि हम उधर से उधर निकले। अगर किसी सवाल में अब्सॉर्प्शन रेट्स ही ना हो तो वो एक्चुअल और अप्लाइड में सेम ही होता था,
शायद ये एक्चुअल रेट निकला हुआ 2.65 की वर्किंग ढूंढे कहीं, 2.65 की वर्किंग ढूंढे, क्या ये सी 17490 से वर्किंग नहीं हुई? तो क्या 17490 बजटेड है? तो मतलब असल में शायद ये एक्चुअल अमाउंट है, इसी से हमने एक्चुअल रेट निकाल के फिगर फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ यकीनन मैंने यहाँ अप्लाइड क्यों लिखा, यहाँ अप्लाइड ही आता है। क्या प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड अप्लाइड ही आता है? लेकिन अगर फर्क ना हो तो फिर एक्चुअल और अप्लाइड सेम हो जाता। तो मेरा ख्याल है जो मैंने सेंटेंस लिखवाया शायद सफिशिएंटली हेल्प हो जाएगी। क्या लिखवाया मैंने, वरना यहाँ एक और सवाल आगे आना चाहिए था ना, अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं रोज, हम रोज कर रहे हैं अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्या इस केस में भी होगी? ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन फाइनल हो गए, ये अप्लाइड है इस वक्त, हमने यहाँ अप्लाइड लिखा है, एक्चुअल और अप्लाइड सेम ही है बिकॉज देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। ये आप और तो नहीं कोई कंफ्यूजन रहेगी, इकट्ठे होने जरा प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल कर दें यहाँ पे। कंफ्यूजन खत्म हो गई है कैंडी जिन्होंने पूछा था? चलो आगे फिर प्लीज। जी सर जी, अब दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हमें लाएं प्लीज, लाएं उस स्टेटमेंट के मुताबिक हम पहुंच गए हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक। अब यहां ऐड होना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और वंस अगेन सिर्फ कंसल्टेशन आप चाहिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में ढूंढे कहीं जाके, 500 यूनिट्स है और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अपने सवाल में ढूंढना है। क्या उन 500 यूनिट्स पे पिछले साल वाला 100% मटेरियल लग गया था? क्या उन 500 यूनिट्स पे 100% मटेरियल पिछले साल वाले के साथ साथ पिछले साल की 40% कन्वर्जन कॉस्ट भी लग गई थी? ये पिछला साल बीच में क्यों ला रहा हूं? तो कैसे वर्किंग होनी चाहिए कैंडी फिगर्स, बोर्ड पे पहले देखें कैंडी करवाएं, बल्कि ढूंढ के जरा 500 यूनिट्स रेट्स में जाए, जरा रेट्स में इंटू 11 क्या 11 पिछले साल का 11 प्लस 500 यूनिट्स इनटू 40%, ये पैक पीछे कोई परसेंटेज नहीं है, इधर 40 आ गई, 100% मटेरियल, 40% कन्वर्जन कौन से साल वाली? अलग अलग फिगर्स बोले जरा, 2.16 सॉरी पिछले साल वाले रेट बताएं जरा, डेफिनेटली इकट्ठा किया हुआ, बल्कि हमने इकट्ठा किया हुआ, ढूंढ रहा नहीं, इन्हें नहीं किया हुआ, सॉरी इन्हें नहीं किया, इनटू 2 प्लस 1.5 प्लस 2.5, इतना कुछ यहाँ क्यों आ गया? 500 क्या है जी, यूनिट्स ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, 40% कहाँ से आया? 40% कन्वर्जन के एंगल से स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, और ब्रैकेट में फिर मैंने क्या किया, लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स क्यों लिए, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो ब्रैकेट में एक रेट आ जाएगा कन्वर्जन का पिछले साल का, और वो 500 इनटू 40% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 इनटू 40% समझ आ गया? फर्स्ट ब्रैकेट में क्यों नहीं कुछ मैंने परसेंटेज लिखी, अगर लिखनी है तो 500 इनटू 100% है, किसके एंगल से 100% था और किसके एंगल से 40%। मेरी सजेशन ये, पहले दोबारा सारी फिगर्स ढूंढने कहां से आई है एक नजर रिवाइज करें जरा, बाकी तो कैलकुलेटर का काम है, वो इशू नहीं है। मतलब 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल रेट ऑफ लास्ट ईयर, तो यहां तक मटेरियल पूरा हो गया, प्लस कन्वर्जन के रेट्स 2 प्लस 1.5 एंड 2.5, और 500 यूनिट्स वर 40% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल है बेटा,
6700 आ जाएगा। अब इसने ऐड होना लेस होना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाएगा। अब क्लोजिंग आपने खुद बैयर करना है खामोशी से, ये लेस मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, फिगर आपने बतानी है, ठीक है, लेस मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, फिगर आपने बतानी है। हाँ जी ठीक है, रिपीट होना इसे, क्या क्लोजिंग इस साल से बचा है? हम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं 500 पहले कंप्लीट हुए, पहले 500 फिनिश गुड्स में पहुंचे हैं, तो इनपुट में से सीडी बचा है, और इसकी जो वर्किंग हुई है स्टेज ऑफ कंप्लीशन की, ये आपके इक्विपमेंट यूनिट्स में भी अवेलेबल है। जी सर क्लोजिंग स्पीड अप, हाउ मेनी यूनिट्स? 1200 इंटू 12.1, 100% मटेरियल प्लस 1200 इंटू हाफ 50% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और अब रेट्स इस पीरियड के क्यों ले रहे हैं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को, सॉरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए क्या ऐड और क्या लेस हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बन रही है बड़ा, पिछले क्वेश्चंस में ये गेम नहीं थी यार। तो अगर वर्किंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बराबर नहीं होगी, बीच में वर्किंग प्रोसेसेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर ये जो रेट है ये पर यूनिट रेट है, अब ये एक एक यूनिट का रेट है, वो जितने मर्जी टोटल बने थे हमने उसको एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर लिया, वो खर्चा जो था वो नीचे वाला खर्चा 6900 यूनिट्स और नीचे वाला खर्चा जो था 6600 यूनिट्स का था, वहां से हमने एक यूनिट का रेट निकाल तो लिया, और फिर इन्फ्लेशन इन्वॉल्व थी हमने पिछले साल का रेट निकाल लिया। जब एक यूनिट का रेट आ गया है तो वो 500 यूनिट्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर यूनिट निकाल लिया नहीं। खर्चा तो यकीनन वो 6900 और 6600 यूनिट्स का है, लेकिन जब उसे पर यूनिट बना लिया तो एक यूनिट की अमाउंट आ गई। जी सॉरी आपके कहने, जी जी मैं याद कराता हूँ सर, मैं मुझे याद, जी सर जी वर्किंग होगी यहाँ तक सर। सर ये एड और लेस क्यों किया यार, क्यों किया भाई? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक अगर आना है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होना, आई होप ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। आंसर बताइए तो, आंसर बेटा बताइए कितना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 114430, ये फिगर कैसे आ रही है इसमें यार? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हुआ है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस हुआ है। शायद इस फिगर को हमें फाइनली जब हम वर्किंग करें फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखना है। जरा हिम्मत करें, जरा सही स्टेटमेंट जरा बड़ी हो गई। ओपनिंग हम निकालना क्या चाह रहे हैं इस वक्त? ऊपर देखें हम पहुंच कहां गए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे हम, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे तो ओपनिंग फिनिश गुड्स मिल गई थी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए था सर। तो ये किसके नीचे मैं लिख रहा हूँ? सेल के नीचे, सेल के नीचे क्या आना है? वो सब सेल आनी है। अभी कहां तक आए हम?
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक आए, अब यहाँ ये नहीं नहीं माइनस छोड़े अभी, माइनस अब क्या माइनस, वो एक मिनट मेरे सामने भी एक और सवाल उठा है, आप 114430 का दोबारा गौर से देखें और कहीं इर्द गिर्द लेजर्स वगैरह में जाएं और ढूंढ के बताइए कितने यूनिट की कॉस्ट है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के वर्ड्स की ट्रांसलेशन ही कर दें, आ जाए देखिए तो कितने यूनिट्स फाइनली बनने हैं जिनकी ये कॉस्ट है। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होके ये 6200 यूनिट्स की फाइनली कॉस्ट है। है सर? कभी जिंदगी में आपको इत्तफाक हुआ हो, जरा लेजर देखें प्रोसेस कॉस्टिंग वाला, कभी जिंदगी में इत्तफाक हुआ हो 6200 यूनिट्स की सीधी कॉस्ट निकालने का? कभी कॉस्ट एलोकेशन की हो आप लोगों ने? कभी इत्तफाक हुआ फाइफो से कॉस्ट एलोकेशन का? ये स्पेस छोड़ें और एक और करके लिखें और वर्किंग लिखें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात जरा याद करवानी, और करके लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 6200 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 6200 यूनिट्स, स्टेटमेंट के लिए भी जगह चाहिए हमें, वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का आना हमें पहले कहीं खामोशी से सोच के लिखवाना है। पहले खामोशी मैंने कहा है, अब सोचना शुरू करें, लेजर में जाएं, नहीं नहीं पहले सही डेटा अपने सामने उसी तरह रख लें जिस तरह पहले बचपन में रखते थे, बल्कि लेजर में नहीं जाएं, इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाएं और पर यूनिट में जाएं। ये सही मैं जगह ले गया लेकिन हम क्योंकि वर्किंग करें फाइफो से, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे कहां जाएं आप, तो मेरा फोकस सिर्फ 6200 यूनिट्स है। 500 यूनिट्स लेजर में देखें, लेजर में उसके सामने खर्चा कितना लिखा हुआ है? शुक्र है सही देखा है किसने, वाकई नहीं लिखा हुआ, वाकई नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्या आपको पता है अगर लिखा होता तो कितना लिखा होता? अब ये ढूंढे कहां लिख लिया हमने 6700। तो ये तो एज इट इज है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आता है फाइफो के केस में? लेजर की डेबिट साइड से अमाउंट आ गई, अमाउंट हमने वर्कआउट की थी, क्वेश्चन में बताई नहीं थी। अब बाकी सब कुछ आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट से मिलना है और प्लीज ढूंढना है। फिनिश गुड्स की बात हो रही है सिर्फ 300 यूनिट्स मिले किसी को? ये किस कॉलम में लिखे हुए? अब कन्वर्जन का रेट बताएं, इस साल वाला पिछले साल वाला? पिछले साल की बहस ओपनिंग में खत्म हो चुकी है, इस साल के रेट ढूंढने शुरू करें। रहता रहता बताएं, टू पॉइंट वन सिक्स, वन पॉइंट सिक्स फाइव एंड पॉइंट सिक्स फाइव, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा ये कन्वर्जन? और मैंने 300 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको मैंने परसेंटेज में नहीं मल्टीप्लाई किया, वो 300 पहले ही 40% नहीं सॉरी 60% हो चुका है। अगर आप 500 पूरा उठाते तो ये 60% होना है। 500 दोबारा देखें काउंटेंट बन के और इसकी वर्किंग ढूंढे 6700, 6700 में कितने कितने परसेंट खर्चा किस किस का ऑलरेडी आ रहा है? 100% मटेरियल और 40% कन्वर्जन आ रही थी, मैंने 60% कन्वर्जन ऐड करके 500 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट फाइनल कर लेनी है। आंसर बताएं, और टोटल करें इसे तरह यहां तक टोटल 8638 का पूरा नाम बोलने की कोशिश करें, नहीं ओपनिंग रहने दें, चले ठीक है करें कौन फिनिश गुड्स में जो ओपनिंग से आए हैं उनकी टोटल कॉस्ट है। फिनिश गुड्स में जो 500 यूनिट्स ओपनिंग से आए हैं उनकी फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कितना खर्चा ऑलरेडी किस पीरियड में हो गया था? 6700 ऑलरेडी पिछले पीरियड में हो गया था और 1938 का खर्चा हमारे पीरियड में होके 500 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ गई। दोबारा इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में जाएं,
5700 नजर आता है, क्या दोनों कॉलम में सेम नजर आता है, क्या टाइम बचा लें, टोटल ढूंढ दें, टोटल रेट ढूंढ दें। 18.56 में तो फिक्स कॉस्ट भी है यार, अब्सॉर्प्शन से गेम चल रही है सर, इकट्ठा रेट मल्टीप्लाई हो सकता है सर, आंसर बता दें। 105792 दोनों का सम करें, 11144 30। क्या इस फिगर का उस फिगर से मैच हो जाना, कोई सरप्राइजिंग न्यूज है? कठे हो जरा, असल में 6200 यूनिट्स की जो कॉस्ट है जो हम डायरेक्टली निकाल लेते थे वो शायद इनडायरेक्टली निकली है। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 6200 यूनिट्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल है बेटा, ये करेंगे वर्किंग प्लीज। तो एंजॉयमेंट गोज ऑन आई थिंक। सारी स्टोरी को अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके बताएं कहां तक हो गए। और बेटा लग गए हमें रेट्स, कैंडी प्लीज इस तरह नहीं करें, क्वेश्चन गौर से देखें। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे ऑलरेडी वैसे ही वर्किंग हुई है जैसे हो चुकी है, उसके पे रेट्स लग चुके हैं बेटा। क्लोजिंग तो पहले निकाल लिया हुआ, क्लोजिंग निकाल लिया हुआ, ओपनिंग आ गया है। मैंने सिर्फ ये चाहा कि जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की वर्किंग रिवाइज हो जाए, तो क्लोजिंग तो पहले ही मैयर हो चुका है बेटा, कर यकीनन कर सकते हैं। और बेटा और वाली वर्किंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ऑफ 6200 यूनिट्स लेने हैं, उसमें क्लोजिंग बेचारा कहां से आ गया? क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है, 6200 यूनिट्स फिनिश गुड्स के हैं लेजर में, उनके सामने वाली कॉस्ट कैलकुलेट की है। बेटा दोनों तरह कर सकते हैं, लेकिन काइंडली का स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बन रही हो तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को उसी सीक्वेंस में बनाना चाहिए। मटीरियल लेबर ओवरहेड्स लिख के ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस सॉरी लिख के वर्किंग करनी चाहिए। और वाली वर्किंग सिर्फ अब इसलिए है कि कहीं ये महसूस ना हो कि दुनिया बदल गई है। जी ठीक है बेटा, प्लीज डेफिनेटली रिकंसाइल होना चाहिए। जी डियर आगे बढ़े सर, क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लीज। इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग हो रही थी, रिवाइज करें कंडी, क्या आ गया था? ओपनिंग स्टॉक आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या और आ गया है, अब क्या रह गया है? किसका स्टॉक, क्वांटिटी बताएं, 1000। रेट ढूंढ के बताएं, रेट ढूंढे ढूंढे, क्या ये 100% कंप्लीट हो गया है? 18.56 अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अभी भी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, 18560 ऐड करो, लेस करो, किस में लेस करके क्या निकालो? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। यहां मैं एक अच्छा सा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नहीं वो तो मेरे ख्याल बात हो गई है। अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल आज कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल नहीं है, अप्लाइड ही एक्चुअल है, अंडर ओवर अप्लाइड की अब एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, वो तो ठीक है मेरे ख्याल, लेकिन वो अगला स्टेप है। ठीक है ठीक है, वो तो ठीक हो गया, वो तो ठीक है। ये मैं कोई एक और अच्छा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये वाला तो अच्छा है, चले मैं आपको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन ये शायद बात हो गई। जी सर, जी सर, हाँ ये वाला सवाल आप भी सोचेंगे सर, हमने पिछले सवालों में ऐसे भी तो वर्किंग की है यार। ओ बेटा क्यों नहीं आ रहा, पता चल जाएगा भाई, कमाल है जादू है यार, पहले ये तमीज तो मैं बांध लू यार। एक्स वाई लिमिटेड वगैरह अगर सवाल पिछले आप देखें, जिन सवालों में वर्क इन प्रोसेस नहीं है, हम इस तरह भी कर लेते थे, कैसे? 11443 डिवाइड बाय 6200 इनटू 1000,
यहाँ लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये जो 114430 है, इसमें ये जो वर्क इन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, इन पे पिछले सालों के रेट लगे हुए हैं। ये जो 6700 है, ये पिछले साल के रेट की बेस पे मैयर हुआ हुआ है, तो ये सॉर्ट ऑफ कोई मिक्सअप हो जाएगा। फाइफो की बजाय वेटेड एवरेज टाइप बन जाना है। 114430 में जो 6700 है, वैसे इसमें है, तो वो जो है वो पिछले सालों के रेट की बेस पे मैयर हुआ हुआ है, और जो 1000 यूनिट्स है ये करंट ईयर की प्रोडक्शन में से बचे हैं। जरा सही, दोबारा एक मिनट लेजर देखें, जरा फिनिश गुड्स का लेजर देखें, वर्क इन प्रोसेस वाले लेजर देखें। तो ये 114430 में ओपनिंग जो फिगर आ रही है वो पिछले साल के रेट की बेस पे है। देयरफॉर ये एवरेज सॉर्ट ऑफ रेट निकला ना, ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर मिला के, और हमने वर्किंग करनी है फाइफो की बेस पे, विच मीन्स के जो इस साल यूनिट्स बने हैं उनको इस साल की अमाउंट की बेस पे मेजर किया जाए। तो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं प्लीज। यकीनन 126 126 ढूंढने पर 126 126, यहां तक सारी फिगर्स करंट ईयर के रेट की बेस पे है, लेकिन इसे आगे जो है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग खास तौर पे इन्वॉल्व होने की वजह से हमारी ये जो फाइनल फिगर आई है 114430, ये मिक्सअप होगी ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर फिगर्स, इसलिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। क्लियर होगी मेरी बात? तो मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं कि 18.56 ही लगाना है, क्योंकि ये जो स्टॉक बचा है ये करंट ईयर की प्रोडक्शन से बचा है। जरा कैंडी देखें, जरा प्लीज फिनिश गुड्स का लेजर देखें, कितने यूनिट सेल हुए, कहां सेल हुए होंगे, ओपनिंग वाले सेल हो गए होंगे, ओपनिंग वाले सेल हो गए होंगे, प्रोडक्शन में से ये खर्चा इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट में से ये मेजरमेंट होनी चाहिए। इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट से मेरी मुराद 12.1 है, अगर बात करूँ 2.16 लेबर है, ओवरहेड्स है, इस साल के रेट से ही है, लेकिन वो नीचे जब आए हैं ओपनिंग के साथ। बात क्लियर हो रही, ये आप लोग क्लियर हो गए प्लीज? 126 126 की भी, लेकिन बेस अब ये भी जरा देखें, उसकी जो बेस है वो 6200 नहीं है, उसकी बेस मिक्स हुई भी है, उसमें जो मटेरियल है उसकी बेस 6900 है, और उसमें जो लेबर है वो 6600 बेस है, तो वहां फिर बेस का इश्यू चल रहा है। फाइनली ये जो खर्चा सिक्स आया है 114430, ये आया तो है 6200 यूनिट्स का, लेकिन ये कुछ पिछला और कुछ करंट मिक्सअप हो गया है। तो उधर भी मसला क्या है कि उस उनके कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस में प्रॉब्लम है। अगर हम करना चाहें तो ये कर सकते हैं, हम 83490 पे जाएंगे, 83490 डिवाइड बाय 6900 इंटू 1000 मटीरियल कॉस्ट आएगी, और 14256 डिवाइडेड बाय 6600 एंड देन इनटू 1000 फिर लेबर कॉस्ट आएगी। अलग अलग क्यों करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि उन खर्चों की बेस सेम नहीं। बात है फाइनल प्लीज? और नीचे जाके क्या प्रॉब्लम बना, 114430 में जो 6200 यूनिट्स है उनमें प्रॉब्लम क्या बना, उसमें कुछ पिछले साल की कॉस्ट का फैक्ट आ रहा। क्लियर हो गया? यानी अगर रेट चेंज ना होते तो फिर मेरा सवाल भी शायद होमवर्क होता। अगर ये रेट सेम होते तो मेरा ख्याल है आप प्रेफर कर लेते जी। अब फाइनल है जी, ये बस आगे कंप्लीट करवाएंगे। स्पीड अप, मार्जिनल कॉस्टिंग का टाइम है। आपको शायद मेरी इस बात पे यकीन ना आए, लेकिन आप यकीन को छोड़ें, आप बस वर्किंग करें, टाइम की तरफ ना देखें, चला है जी। मुझे सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली बतानी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा फाइनल होगी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। जी सर, आंसर कॉस्ट ऑफ सेल बता रहे हैं मुझे। वन जीरो नाइन फोर सेवन जीरो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, बल्कि सॉरी एक मिनट रुके यहाँ, जरा एक मिनट, ये तो अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। यस सर, लेकिन अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट नहीं है, अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट ना होने की वजह से हम गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं बेटा, फिगर्स कैंडिडेट सही फाइनल करें। 109470 फाइनल है जी आप लोगों का। कैसे है ओपनिंग फिनिश गुड्स? प्लीज सर, 13600 भी लेनी है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिगर ठीक है मेरा ख्याल? अंडर ओवर अप्लाइड के एडजस्ट, बल्कि इस तरह करें कैंडिडेट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले एक लाइन लिखे अंडर ओवर अप्लाइड और लिख के डैश लगाए,
ताकि बाद में भी याद आए. अंडर ओवर अप्लाइड लिख के डैश. ये ग्रॉस प्रॉफिट का था 3453. ये फाइनली जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब, फाइंड अप करें सर. एडमिन एंड सरिंग एक्सपेंसेस फिक्स लेने हैं, वेरिएबल दोनों लें कैसे लेना है? वेरिएबल का रेट अलग दिया हुआ है, बताया भी हुआ है सोल्ड यूनिट्स, लेकिन ना भी बताया हो तो सोल्ड ही लेने हैं. 6000 ढूंढे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड उठा रहा हूं, क्यों? बताया भी हुआ है, बताया भी है. वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी विद सेल, फिक्स कॉस्ट गिवन है 12 मिलियन, 1000 में 12000 है देगा. वन टू नाइन थ्री जीरो इज अ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. 12930 इज द प्रॉफिट एज पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कैंडी नेक्स्ट फॉर्मेट शुरू करेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, आप लोग शुरू करेंगे जी प्लीज. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द ईयर एंडेड, सेल्स तक इकट्ठे हो. नहीं थके, नहीं थके, नहीं थके, नहीं थके. कभी बैठे बैठे मोबाइल देखे थके? नहीं थके. लेकिन क्या होता है, आप फिर भी मन नहीं करते, वो आंख लग जाती है, ठीक है, वो खुद ही गिरगुरा जाता होगा कहीं, तो ठीक है, आंखों को लग गई तो ठीक है, खुद ही पेन हाथ से गिर जाएगा. इंटेंशनली नहीं छोड़ना, ना कभी छोड़ा ना छोड़ना. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2008. सेल्स सेम रहेंगे सर. वन लैख 44,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल. ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल. वैसे इस वक्त बेस्ट ये होगा, मेरी सजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है हमारे पास, कि जहां भी फिगर बदले उसकी रीजन देखनी है साथ ही. ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स बता दें, रेट ढूंढ के बता दें. तो बेटा पिछले सालों का रेट सिर्फ ओपनिंग का इफेक्ट करेगा, बाकी फॉर द ईयर की फिगर्स हैं. प्लीज आगे चले, जो पता चल गया वही फाइनल इंशाल्लाह है. स्टॉक्स ही मैयर होंगे पिछले सालों के, जो अगले साल आएंगे पिछले साल की बेस पे, बाकी सब कुछ करंट ईयर का. 14.5 डन है जी, 14.5 मिल गया. 14.5 सर ढूंढना है यार प्लीज, सबको मिल गया बोर्ड पे. 11,600 प्लस होना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ने. जिन चीजों ने अनचेंज आना है मेरे को टाइम वेस्ट ना करें. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, कैसे लिखे नजर ही नहीं आ रहा. 83
490, 14, 256, variable overheads, 10890. जज्बात पे काबू पाइएगा, टोटल आना है यहाँ, टोटल का नाम बताना है, टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वन जीरो एट सिक्स ए सिक्स, कट्टे हो प्लीज यहाँ तक, ये 10866 ठीक है मैम, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये कौन सा खर्चा भाई, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, रहने दे सर इतना भी क्या डरना है, अल्लाह माफ़ करे सर, क्या होगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आगे बताएं क्या आएगा, गेम ऑन है सर, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, हाँ यू एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यहाँ सब लोग रुक के अपने पिछले आंसर में चले जाए, छोड़ दें, छोड़ दें, अब्जॉर्प्शन वाला सामने रखें, वो एग्जैक्टली देख के मुझे कोई चेंज आना तो बताएं, छोड़ दें लिखना, छोड़ दें, छोड़ दें, 500 इंटू 11, 500 इंटू 40% मल्टीपल बाय 2 प्लस प्लस अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही जिंदगी हमारी, अकाउंट यही खुशी, इन्हीं चीजों में हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, देखा वो मैंने सही बता दिया, देखा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जल्दी देखा, एक और एंजॉयमेंट रहती है, अभी क्लोजिंग वाली रहती है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बता दें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का आंसर आप लोग क्लोजिंग करें खुद से, और काइंडली कंपेयर करें, कंपेयर ही करके करें, ताकि एग्जैक्टली पता चले क्या नहीं आना, ये ठीक है 6200, सर साहब जाने दे, गुस्सा यार 12500 कैसे निकाल लिए, वन सिक्स एट जीरो सिक्स, वन सिक्स एट जीरो सिक्स, डन है, वन सेकेंड, सिर्फ चेंज क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स इज नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट, सिर्फ यही काम चल रहा है इस वक्त, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आए, 1200 यूनिट्स ही तो है, 1200 सर, सॉरी है, आंसर मैंने देख के लिखा, फिगर देख के गलत लिखी, चलिए ये चेक कर लें जरा, यूनिट्स 1200 ही है, आपकी वैसे 500 पे नजर कैसे पड़ी है, आपने तो आंसर पे नजर पड़ी होगी, नहीं आंसर पे पड़ी होगी ना, मतलब आपको बोर्ड से देख के वर्किंग लिख रहे, चले अच्छा हो गया आपने देख लिया, चेक किया उसने यार क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 98030, कैसे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इकट्ठे हो यहां तक, सांस ले लें, नहीं बेटा वो तो तब करते थे यार जब अवेलेबल इंफॉर्मेशन ना हो, ना कर ऐसे यार, वो तरीका जब भी किया है तब किया है जब क्वेश्चन में पिछले सालों का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ना हो, हम देख लेते हैं, सिग्मा ढूंढे जल्दी, सिग्मा सिग्मा सफा नंबर जल्दी जल्दी हो रहा, बताइए सिग्मा 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 138 क्वेश्चन नंबर 2, वहां मटेरियल रेट लेबर रेट
ओवरहेड रेट, वेरिएबल ओवरहेड रेट पिछले सालों के नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट का पिछले साल का रेट था, तो हमने टोटल में से वो माइनस कर दिया, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड रह गया होगा चैप्टर में है जो आजकल हो रहा है, एटीएफ ढूंढे, एटीएफ क्वेश्चन नंबर टू, आजकल जो हो रही गेम, पेज नंबर 173, क्वेश्चन में जाएं, हमें करंट ईयर की रेट्स पता हैं, पिछले साल की सिर्फ फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज पता थी, 4,50,000 में पिछले साल मटेरियल का रेट क्या है, लेबर रेट क्या है, ओवरहेड रेट क्या है, हमें नहीं पता था, तो हमने सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकाल दी। लेकिन कल जो एक्स वाई किया, कल बिल्कुल एक्स वाई ऐसे ही किया जैसे आज हो रहा है, हमने अलग अलग रेट्स की इंफॉर्मेशन थी हमें पिछले सालों का, करंट ईयर का, तो हमने पिछले सालों के रेट का टोटल किया हुआ था, 951 समथिंग मेरा ख्याल था, तो जब रेट्स अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ऐसे करना तो ऐसे करना। यकीनन ये भी किया जा सकता है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक में से फिक्स कॉस्ट निकाल दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो निकालने की बजाय दोबारा रीमेयर करना, दोबारा मेयर करना, और मेरा ख्याल है जब भी रेट अवेलेबल है पिछले, हम मेयर कर रहे हैं, पिछले मेयर ऐसे ही कर रहे हैं। वो कब किया, जब हमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का रेट्स पिछले सालों के नहीं पता, और सिर्फ ये पता है कि पिछले साल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो उस वक्त हमारी भी मजबूरी है कि जो ओपनिंग की अमाउंट है उसमें से फिक्स कॉस्ट की अमाउंट निकाल दें, बाकी फिर वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है, तो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स को प्लस करना है, ऑब्वियसली वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है प्लीज, ये सर 1980 अगेन, वो आ गया सर, आ गया होगा। नेक्स्ट बताएं क्या आना है, किसका ढूंढे, कितना 1,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय ढूंढे रेट 15.91 में क्या क्या है और क्या नहीं है, जो जो है वो होना चाहिए और जो नहीं है वो नहीं होना चाहिए। आंसर बताइए, 1,591,910, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नीचे क्लोजिंग स्टॉक की फिगर, ओपनिंग कंसिडर करें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बताएं, बेटा प्लीज सॉल्व करें, सॉल्व करें मेरे भाइयों, मेरे भाइयों सॉल्व करो, हिम्मत करो हिम्मत, 93720। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें यार, कोई एक फिगर तो पूरे क्लास में बता दिया करें, जो लोग कर रहे हैं जजाकल्ला, लेकिन मेजोरिटी लगता है अकेले अकेले क्वेश्चन सॉल्व करी जा रही है। नहीं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगा, राइट सही करें, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, सेल में से माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 50280, सही सेटिंग करें अपने जहन में, वेरिएबल सेलिंग एडमिन की इंफॉर्मेशन ढूंढना है, एज इट इज रहेगा 1600 यूनिट्स, सॉरी 6000 यूनिट्स इंटू 1600 पर यूनिट 9600, नेट कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन तक आए सर, सर को यही तो फिगर आ रहा है सर, पीछे पिछला रह गया, देख के लिख रहे हैं, रिपीट कर दे, स्क्रीन बड़ी कर दे, स्क्रीन शॉट लेना है, ये सारी बातें रहने दें, कोई बात वर्किंग कर लें, 40680 का नाम क्या है, नेट कंट्रीब्यूशन के बाद क्या क्या रह गया है, ये अपने हाथ से वाइंड अप करें, देख के लिख के, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों अवेलेबल है, सही ढूंढ के वाइंड अप करें। सेलिंग एडमिन में तो बड़ा कोई आई होप इशू नहीं है, 12 मिलियन, प्रोडक्शन बता दें किसको क्या समझ के क्यों लिखा है, अप्लाइड को एक्चुअल समझ के यहाँ अप्लाइड लिख दी है, सेंटेंस रिपीट करें,
या हमने सिर्फ एक्चुअल लिख लिया, ये ऑनलाइन स्टूडेंट स्टैंड है जी प्लीज। फाइनली आंसर इज 111190। रिकंसिलिएशन का तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़ा अच्छा रटा लगा हुआ है, उसको छोड़े, वो तो हो ही जानी है इंशाल्लाह। बेटा फैजान जाने दे गुस्सा, खुदा का नाम ले। आपने सर ये करना है, इसकी रिकंसिलिएशन कल फाइनल कर लेंगे। इसकी रिकंसिलिएशन अगर आप बनाएंगे तो मैच नहीं होनी, तो उसकी रीजन फिर मैं बताऊंगा क्यों मैच नहीं हुई। इसको मेरा ख्याल छोड़ दें आप, रिकंसिलिएशन ये वाली वर्क इन प्रोसेस आ गए तो ना बात नहीं है, आपको मुझे याद करवाना पड़ना। आप लोग इस तरह करें, ये जो क्वेश्चन हुआ अभी इससे अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर टू बेटा, ये फ्रेपल है, ये बिल्कुल सॉर्ट ऑफ एक रेप्लिका है इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, तो आप लोग इसको जीरो से स्टार्ट करके एंड कीजिएगा। तो अगर आप ये खुद करेंगे तब ये बात बिल्कुल फाइनल हो जाएगी, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे आप रुकेंगे। तो काइंडली प्लीज ये वाली चीज क्वेश्चन नंबर टू है पेज 181 पे, ये होमवर्क कर ली। अल्लाह ये बड़ा, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो बता दें। नहीं ये मुझे मगर सबसे पूछ लो, ये बेटा आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं आया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं, कांडी जरा कंप्लीट कर देना। जी डेफिनेटली बेटा, अगर क्वेश्चन जो मैं देता हूँ मेजॉरिटी केसेस में, तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरा ख्याल है कि शायद अटेम्प्ट हो जाते हो, अगर कोई इशू हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करता हूँ, और डेफिनेटली अपना करने के बाद आप आंसर देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राइट टाइम पे क्लिक नहीं करती लेकिन आंसर देख के याद आ, तो उनको तो मेरे ख्याल फाइनल कर लेना चाहिए। ओ बेटा असम क्या मजाक कर रहे हो यार, वेरिएबल में फिक्स क्यों लेनी है यार, क्या करी जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं लेनी फिक्स, क्या हो गया, वेरिएबल में सिर्फ वेरिएबल लेना, और स्टॉक्स की मेजरमेंट में, स्टॉक्स की मेजरमेंट अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग से कर रहे हैं तो चाहे वर्क इन प्रोसेस हो या फिनिश गुड्स हो, स्टॉक में फिक्स कॉस्ट नहीं आना, क्या करी जा रहे हैं। और बेटा उसमें लिया हुआ है अब्सॉर्प्शन में, फिक्स कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट ली हुई है स्टॉक्स में, और मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट स्टॉक्स का हिस्सा नहीं है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं पीरियड कॉस्ट है। जाने दें सर, इस तरह की बातें तो करनी फाइनल किया करें यार, ठीक है जी प्लीज। और तो नहीं कोई क्वेश्चन आएगा किसी का, ठीक